प्रेमसर से मुंडेला तक बनाए जा रहे लगभग 32 किलोमीटर के रोड का निर्माण घटिया व निम्न गुणवत्ता से किया जा रहा है, जिसको लेकर शनिवार को ग्राम अलापुर में ग्रामीणों ने किसान नेताओं के साथ रोड पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करके रोड के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए रोड गुणवत्ता बनाए रखने व एस्टिमेट के मुताबिक कार्य करने की मांग की। किसान नेता राधेश्याम मीणा मुंडेला ने जानकारी देते हुए बताया कि MPRDC योजना के अंतर्गत लगभग 70 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे रोड के निर्माण में क्वालिटी मेंटेन नहीं की जा रही है। संबंधित कंपनी भ्रष्टाचार करके शासन के करोड़ों रुपयों का बंदरबांट करने की योजना बना रही है, जिसको लेकर रोड के अंतर्गत आने वाले गांव के ग्रामीणों में आक्रोश है। गांव आलापुरा में रोड के निर्माण की चौड़ाई भी कम की जा रही है, मुआवजा दिए बिना ही गरीब ग्रामीणों के मकानों को भी गिराया जा रहा है। जिसके मकान तोड़े जा रहे हैं उनको मुआवजा देने की मांग भी की गई। रोड की गुणवत्ता में सुधार नहीं करने की स्थिति में कलेक्ट्रेट शिवपुर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। यहाँ शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर MPRDC के अंतर्गत लगभग 70 करोड़ की लागत से प्रेमसर से लेकर मुंडला तक 32 किलोमीटर का रोड बनाया जा रहा है। इस रोड के निर्माण में बहुत लापरवाही बरती जा रही है। रोड का निर्माण घटिया स्तर का किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें लगातार ग्रामीणों के माध्यम से आ रही है। एस्टीमेट के मुताबिक कार्य नहीं किया जा रहा है। एक प्रकार से शासन के पैसों की बंदरबांट करने की योजना बनाई जा रही है। तो इसी को देखते हुए आज ग्रामीणों की शिकायत पर, ग्रामीणों की मांग पर आज हम यहाँ आलापुरा गांव में धरना लगाकर बैठे हैं और प्रशासन से और रोड बनाने वाली कंपनी से मांग कर रहे हैं। रोड का निर्माण गुणवत्ता युक्त होना चाहिए, क्वालिटी, जो रोड की क्वालिटी उसको मेंटेन किया जाना चाहिए, और जो ग्राम में जो सड़क बनाने का जो एस्टिमेट है वो पूरी उसकी चौड़ाई के अनुसार सड़क बनानी चाहिए, और रोड के निर्माण के दौरान जो मकान टूटे हैं उन मकानों का मुआवजा प्रशासन को देना चाहिए, अन्यथा हम ग्रामीणों को लेकर, क्षेत्र की जनता को लेकर जिला मुख्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, अगर ग्रामीणों को हमारी मांगों को नहीं मानी जाएगा तो। और इस अवसर पर हम शिवराज सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि जो ये शासन के करोड़ों रुपए की बंदरबांट करने की योजना बनाई जा रही है, तो ऐसी कंपनी पर और प्रशासन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और रोड गुणवत्ता युक्त बनना चाहिए, जिस प्रकार का एस्टिमेट है उसके मुताबिक रोड बनना चाहिए। ये हमारी ग्रामवासियों की मांग है कि 3 दिन से यहाँ ग्राम के लोग सभी चर्चा कर रहे हैं कि यह रोड बहुत गलत बनाया जा रहा है, ये सीसी बहुत गलत बनाई जा रही है, तो जो उनके एस्टीमेट में हो उसी तरीका से बनाई जाए और उतनी चौड़ाई ली जाए, 7 मीटर मेन सेंटर में से बीच में से नापा जाए और कोई गरीब का जो मकान तोड़ा जाए उसका तुरंत मुआवजा दिलाया जाए।